चलो बच्चों डिस्पर्शन रिवाइज करना चलेगा, सबको आता है डिस्पर्शन? चलो लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्शन। चलो बेटा मुझे पहले बता, मुझे बच्चा मुझे बता डिस्पर्शन में कितने मेथड होते हैं? चार। कौन से होते? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर से बता बच्चों डिस्पर्शन में मेथड कितने होते हैं? चार। और सुनो बच्चों डिस्पर्शन में भले मेथड होते हैं चार, पर बच्चों ऐसा कहा जाता है कि डिस्पर्शन के मेजर दो होते। बच्चे मेजर कितने होते हैं? दो। तो टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। धन्यवाद बच्चों। बच्चों फिर से मुझे बताओ डिस्पर्शन में मेजर कितने होते हैं? दो। कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मतलब क्या? डिस्पर्शन के ऐसे तरीके, डिस्पर्शन के ऐसे तरीके जिनमें कुछ तो यूनिट होता है, जिनमें किलोग्राम, ग्राम, मीटर, कुछ ना कुछ यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर। डिस्पर्शन का ऐसा तरीका जिसे कोई यूनिट नहीं होता है, वी कॉल इट एज रिलेटिव मेजर। फिर से बताओ बच्चों डिस्पर्शन में कितने मेजर होते हैं? दो। कौन से होते? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। विच आर सम यूनिट आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट, विच आर नो यूनिट आर कॉल्ड एज रिलेटिव। बच्चों ऐसा कहा जाता है रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको यूनिट होता है, ये सबको ने एब्सोल्यूट मेजर। और वही बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑल कोएफिशिएंट आर रिलेटिव, जिन्हें कोई यूनिट नहीं होता है। फिर से बोलो बच्चों जहां पे यूनिट होता है वो कौन है? एब्सोल्यूट। नहीं होता है? विच आर द एब्सोल्यूट मेजर? रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी कौन है? एब्सोल्यूट। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, ये सब कौन है? रिलेटिव। याद आ रहा बच्चों? पक्का। अब बच्चों एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्पर्शन ऑफ पैटर्न कौन सा? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? एल माइनस एस, एल फॉर लार्जेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। पक्का बच्चों? नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन में, और सुनो बच्चों सबसे पहले बताओ क्वार्टाइल कितने होते? तीन। कौन से होते? क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री। पहला कंसेप्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल के बीच की रेंज। बता बच्चों रेंज क्या होता है? एल माइनस एस। अब रेंज निकाला है किसके बीच में? क्वार्टाइल। बता बच्चों क्वार्टाइल में लार्जेस्ट क्वार्टाइल कौन है? क्यू थ्री। स्मॉलेस्ट कौन है? लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट, ये कौन है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या फॉर्मूला है? क्यू थ्री माइनस क्यू वन। अगर इसको डिवाइड करोगे दो से तो कहलाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। फिर से बोलो व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज? क्यू थ्री माइनस क्यू वन। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू। यहाँ पे लास्ट कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बोलो क्या फॉर्मूला है? क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन इंटू 100। किसका फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जी पर बच्चों यस। नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट है मीन डेविएशन। ओके बच्चों इसका फॉर्मूला देखिए, अगर याद होगा मैंने बताया था मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद में कैसे रखते, याद है बच्चों? मैंने बोला था जो फॉर्मूला है मीन का, जो फॉर्मूला है मीन का, उसमें से किसको हटाओ? एक्स को। उसके बदले लिखो मॉड डी। क्या लिखना बच्चों? मॉड डी। तो आपको क्या मिलेगा? मीन डेविएशन। बताओ बच्चों मीन डेविएशन में डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? समेशन मॉड डी अपॉन एन। डिस्क्रीट विद फ्रीक्वेंसी में समेशन एफ इंटू मॉड डी अपॉन समेशन एफ। कंटिन्यूस में क्या होता है? समेशन एफ इंटू मॉड डी अपॉन समेशन एफ। छिपता है क्या बेटा? तो इसका मतलब बच्चों मीन डेविएशन को निकालने के पहले आपको डी पता होना चाहिए। डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एक्स और ए का। डी कौन है? डिफरेंस किसका? एक्स और ए का। एक्स तो आपको दिया होता है, ए कैन बी आइदर मीन और
अगर बोला है फाइंड मीन अ डेविएशन अबाउट मीडियन तो ए कौन आएगा, मीडियन। अगर बोला है फाइंड मीन अ डेविएशन अबाउट मीन तो ए कौन आएगा, मीन। याद आ रहा बच्चों? नहीं सको बच्चों? अगला कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या बच्चों? क्या होता फॉर्मूला? एम डी अपॉन ए इन टू 100। रिवाइज करते फिर से बताओ बच्चों, मीन डेविएशन का पहला फॉर्मूला क्या है? समेशन मॉड डी अपॉन एन। दूसरा क्या है? समेशन एफ इन टू मॉड डी अपॉन समेशन एफ। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ इन टू मॉड डी अपॉन समेशन एफ। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। ए कैन बी आइदर मीन और मीडियन और मोड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन? एम डी अपॉन ए इन टू 100। सभी से कंफर्टेबल है? यस। नेक्स्ट बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका नोटेशन क्या होता है? सिग्मा। बोलो बच्चों सिग्मा का पहला फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। आई होप बच्चों सबको याद होगा बच्चों फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तीसरा अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। बेटा डी का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस ए। नहीं बेटा, एक्स माइनस क्या होगा? एक्स बार। वहां पे एक्स माइनस कौन था? ए। यहाँ पे एक्स माइनस कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन, पहले एक्स बार, फिर डी। पहले बेटा एक्स बार, फिर डी का स्क्वायर। जी पर बच्चों नेक्स्ट सिग्मा कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर करो क्या मिलेगा? वेरिएंस। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सिग्मा अपॉन एक्स बार इन टू 100। शॉर्ट फॉर्म बच्चों क्या है? सीवी। फिर से बोलो सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या है? सिग्मा का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इन टू 100। पक्का बच्चों? यस। ये समझा बच्चों? सभी से कंफर्टेबल है? ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ना है इसके ऊपर। चलो बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ डिस्पर्शन। चलो बच्चों फटाफट, कितने क्वेश्चन इसमें बच्चों? प्रैक्टिकल मैक्सिमम, नो प्रैक्टिकल बच्चों, बाकी पूरा थ्योरी है। ठीक है चलो फटाफट, एक आधे घंटे में खत्म करना चलेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन बेटा पूरा आपको दिया है बेटा, अभी सुनो बच्चों, बस एक ध्यान रखिए सॉल्यूशन मत पढ़ना बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। सॉल्यूशन बस बता मैंने क्यों दिया, आपका टाइम सेव करने में सॉल्यूशन है बच्चों। तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन लिखने में इतने बच्चे व्यस्त होते हैं कि कंसेप्ट आपका ध्यान नहीं जाता बच्चों। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान रखने के लिए मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है। ठीक है बच्चों, दिस एक्स्ट्रा फैसिलिटी फॉर यू, बट आपको कंसेप्ट पे ध्यान चाहिए बेटा आपका। बोलो पहला क्वेश्चन क्या निकाला बेटा? रेंज। कौन बताएगा रेंज का फॉर्मूला क्या है? एल माइनस एस, एल फॉर लार्जेस्ट, एस फॉर, बोलो बच्चों लार्जेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट। कितना आएगा बच्चों? मैं वहां का सॉल्यूशन यूज नहीं करूंगा बच्चों, मैं फिर से सॉल्यूशन करूंगा। चलेगा बच्चों? क्वेश्चन टू, टाइप कौन सा है? डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी, रेंज निकालना है। क्या फॉर्मूला है? एल माइनस एस, एल फॉर, अब कौन बताएगा लार्जेस्ट कौन है? 10 या 3 या 9? पक्का बच्चों? और याद होगा मैंने पहले बताया था आपको, रेंज निकाल तो कभी भी फ्रीक्वेंसी में देखने का नहीं है। कहां पे मत देखना बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फिर चलो रेंज निकाल तो क्या देखने का नहीं है? एफ बच्चों कहां पे देखना बच्चों? डेटा में, एक्स में देखो, क्लास में देखो चलेगा, बट फ्रीक्वेंसी में देखने का नहीं है। बोलो बच्चों एफ में मत देखना। एक्स में लार्जेस्ट कौन है? 10। स्मॉलेस्ट कितना आएगा? 8। खेल खत्म। स्पीड ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा दिया बच्चों, क्या क्या पूछा है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो सम का टाइप कौन सा है? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। बच्चों फटाफट बेटा नोट्स पे मत देखो, बोर्ड पे देखो ना बच्चों, आप लोग वहां पे क्यों देख रहे हो बच्चों? बोर्ड पे देखिए, किसान मैं मार्किंग प्रॉपर करो समझेगा बेटा आपको, नोट्स पे देखना ही मत। देखो अब बच्चों सबसे पहले क्या पूछा है? मीन पूछा है। बोलो सम का टाइप कौन सा है? डिस्क्रीट डेटा
बोलो हाउ टू फाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन प्लस सभी एक्स का सम, बोलो बच्चों एक्स का सम कितना आएगा? 21 अपॉन एन नंबर ना बच्चों, नंबर कितने? 6, 21 बाय 6 कितना आएगा? 3.5, मीन 3.5 है। अब बच्चों क्या निकालना है? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? बोलते जाओ, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। जितना बच्चों बोलोगे उतना फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बच्चों, और दो दिन में पूरा मैथ्स हमें परफेक्ट करना है। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है बच्चों? होंगे ना पास? गुड गुड। बोलो क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन मतलब नंबर, कितने बेटा? 6। अब मुझे निकालना है समेशन डी स्क्वायर, पहले डी निकालना पड़ेगा, हाँ कि नहीं बच्चों? कौन बताएगा हाउ टू फाइंड डी? डी क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार, पर एक्स बार कितना है? 3.5। अब एक काम करो, सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 3.5 माइनस करो। करो बच्चों, एक्स में से एक्स बार मतलब 3.5 माइनस 1 माइनस 3.5 माइनस 2.5, 2 माइनस 3.5 माइनस 1.5, 3 माइनस 3.5 माइनस 0.5, 4 माइनस 3.5 0.5, 5 माइनस 3.5 1.5, 6 माइनस 3.5। ये क्या निकाला? डी। अब डी का करना है क्या है? स्क्वायर। डी का बच्चों करना है क्या है? स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 6.25, राइट? 1.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25, 2.25। फिर डी का स्क्वायर क्या बच्चों? अब सम कितना आएगा? जबरा बच्चों, डी स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 17.5। एन कितना बच्चों? 6। पहले बच्चों डिवीजन करो, 17.5 बाय 6 करो, 2.91, उसका रूट निकालो, 1.70। देखो बच्चों मीन मिल गया 3.5, सिग्मा कितना मिला? 1.7। ऑप्शन चूज करना है, लेकिन बच्चों ऑप्शन में आंसर पॉइंट में दिए फ्रैक्शन में, हर ऑप्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जिसे मीन कितना आएगा? 3.5, और सिग्मा आएगा 1.7। ऑप्शन क्या रहेगा? सही। ट्राई करूं? बोलो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में मीन कितना है? 7/2। कल से पे करो 7/2, 3.5 मीन मैच हो रहा है क्या? अब सिग्मा अंडर रूट 35/12, पहले 35/12 करो 2.9, उसका रूट निकालो 1.7। वही आ रहा बच्चों? तो दोनों क्या रहे मैच, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? सही। रूट में दिया, घबराने का नहीं है, ऑप्शन को फिर से बड़े सिंप्लीफाई करो, जिससे आंसर क्या आएगा? पॉइंट में ऑप्शन क्या रहेगा? सही। आगे बढ़ू? पक्का बच्चों? रिकॉल हो रहा है क्या बच्चों? फिर से बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले क्या निकाला? मीन, फिर डी, फिर डी का स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन 4, सॉल्यूशन देखने का नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या? सिग्मा होता है क्या? क्या होता है? सीवी। बच्चों पढ़ने का ना चाहिए बच्चों, बोलो सीवी कितना दिया है? 50 है। और क्या बोला है? एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है? 21.2। और आपको निकालना क्या है? अर्थमेटिक मीन मतलब एक्स बार, सीवी दिया है, सिग्मा दिया है, एक्स बार निकालना है। कोई बता सकता है इन तीनों में कुछ संबंध है क्या? बोलो सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सीवी कितना है? 58। सिग्मा कितना है? 21.2। कैन यू फाइंड एक्स बार? जी पर बच्चों, बच्चों पूरा खेल बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों। लास्ट के बेटा वीक में वही करना है अपने को, फॉर्मूला बार 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 पढ़ना बच्चों अपने को, ठीक है? एकदम प्रोफेशनल लेके आना है। अब क्वेश्चन 5, अब जब क्वेश्चन 5 है एप्लीकेशन, क्वेश्चन 5 में क्या बोला है? ए और बी दो कंपनी है, कंपनी ए का डिविडेंड आपको दिया और कंपनी बी का दिया है डिविडेंड, और बोला है डिविडेंड के पेमेंट के मामले में कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है? ध्यान सुना बच्चों, अब जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल क्या बोला है?
ए और बी दो कंपनी दिए, कुछ बार क्या करेंगे दो प्लेयर्स आपको देंगे, बोलेंगे विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट, विच प्लेयर इज मोर स्टेबल। समझे बच्चों, जब भी वर्ड आता है कंसिस्टेंसी, जब भी वर्ड आता है स्टेबिलिटी, ऑलवेज फाइंड सीवी। क्या निकले बच्चों? सीवी, कंसिस्टेंसी या फिर स्टेबिलिटी के लिए क्या निकले बच्चों? सीवी। सीवी मतलब, सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ। बच्चों जहां पे वेरिएशन क्या होगा ज्यादा, वेरिएशन क्या होगा ज्यादा, वो क्या होगा लेस कंसिस्टेंट। जब ये वेरिएशन क्या होगा कम, दैट विल बी मोर कंसिस्टेंट। नहीं छिप रहे, लेस इज द वेरिएशन, मोर इज द कंसिस्टेंट। जब भी बेटा सब में पूछा है कंसिस्टेंसी क्या निकालेंगे, सीवी। जिसका सीवी क्या होगा कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा, प्लस सीवी निकाला है। कितने कंपनी है, कौन कौन से? पहले हम कंपनी ए की बात करते हैं। बेटा मुझे बताओ कंपनी ए का जो डेटा दिया है टाइप कौन सा है? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। पहले कंपनी ए की बात करेंगे बच्चों। कंपनी ए का बच्चों डेटा क्या दिया, 5, 9, 6, 12, 15, 10, 8, 10। कौन है बच्चों? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। या सुनो बेटा, बच्चों मुझे बताओ इसमें पहले कैन यू फाइंड एक्स बार, बच्चे मीन निकाल पाओगे? कैन यू फाइंड सिग्मा, कुछ बाद में चेक करोगे बच्चों, पहले मीन निकालने का फिर सिग्मा निकालने का। कैन यू फाइंड सीवी, पक्का कर पाओगे? ऐसे बी के लिए भी करने का, बी के लिए भी क्या है डिस्क्रीट विदाउट फ्रीक्वेंसी, ए के लिए क्या, बी के लिए भी क्या निकालोगे, मीन फिर सिग्मा फिर सीवी। ए का सीवी निकालो, बी का सीवी निकाल, बाद में चेक करोगे बच्चों। और बच्चों नोटिस आप कर पाओगे कि भैया ए का सीवी बी से क्या होता है कम। अब बस आपको कैसे पता, मैंने सॉल्व किया था बेटा, अभी सॉल्व करना बच्चों। ओके, ए का सीवी निकालने का, बी का सीवी निकालने का। ए का सीवी बी से क्या होता है कम, बच्चों ए का सीवी क्या हो रहा है कम, वेरिएंस क्या हो रहा है कम, तो कहने से ए इज मोर कंसिस्टेंट। बोलो बच्चों हु इज मोर कंसिस्टेंट, जिसका सीवी क्या होगा ए, जिसका सीवी क्या होगा कम। सीवी इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितना वेरिएशन ज्यादा कंसिस्टेंसी कम, जितना वेरिएशन कम कंसिस्टेंसी ज्यादा। पक्का बच्चों कर पाओगे? बच्चों इसमें थ्योरी में क्वेश्चन कैसे आता है सुनो बेटा, मुझे था पे ए और बी दो कंपनी थे, आपको चूज करना था कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है, आपको दोनों कंपनी को कंपेयर करना था, तो कौन बताएगा कंपेयर करने के हमने क्या निकाला, सीवी। तो क्या ना इसे बच्चों, डेटा को अगर कंपेयर करना है तो वो क्या निकालना पड़ेगा, सीवी। तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है विच मेथड ऑफ डिस्पर्शन इज यूज फॉर कंपेरिजन, बच्चों कंपेयर में कौन आएगा, सीवी। दूसरा बच्चों क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन में चेंज करता हूं। विच मेथड ऑफ डिस्पर्शन, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूज फॉर कंपेरिजन। सुन, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी रिलेटिव, दो ही ऑप्शन है। क्यों रिलेटिव बेटा, बच्चे कंपेयर कर बच्चों क्या होता है सीवी, सीवी को नहीं रिलेटिव मेजर। जे पर बच्चों कंपेयर कर बच्चों क्या करोगे रिलेटिव। यस सुनो बेटा, याद रहेगा आपको, आगे बढ़ू स्पीड ठीक है बेटा। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6, अब सुनो क्वेश्चन 6 से लेकर बच्चों क्वेश्चन 8, ये बच्चों क्वेश्चन है बेस्ड ऑन चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। बच्चों एक बार एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे एग्जाम क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा बच्चों इसको हम लोग चार्ट फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे। बच्चों पहले मुझे बताओ चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। यस सुनो बेटा, दो बातें होती है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन और मोड, डिस्पर्शन मतलब रेंज MD SD और QD। बच्चों जो था सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट किससे होगा, स्केल या ओरिजिन, अफेक्टेड बाय बोथ स्केल एंड ओरिजिन।
सबको मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या होगा मल्टीप्लाई, सब में ऐड किया, ये भी क्या होगा ऐड। वही बच्चों डिस्पर्शन, और फिर ओनली किससे होगा स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। क्या मैंने बच्चों क्लास में पढ़ा है क्या, और फिर ओनली किससे होगा स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। स्केल मतलब सबको अगर करोगे मल्टीप्लाई, रेंज भी क्या होगा मल्टीप्लाई, सबको करोगे डिवाइड, रेंज भी क्या होगा डिवाइड, सब में करोगे ऐड, रेंज में भी क्या होगा नहीं होगा, क्यों नहीं, ओनली किसे बच्चों स्केल नॉट बाय ओरिजिन, यस और नो, हो कि नहीं, कल तय का पक्का। फिर से बता बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, अब फिर किससे हो रहा है तो कौन से स्केल एंड ओरिजिन। अब बच्चों देखिए अगर आपको एक्स का मीन देखे वाई का मीन पूछा है, एक्स का मीडियन देखे वाई का मीडियन पूछा है, एक्स का रेंज देखे वाई का रेंज पूछा है, एक्स का क्यूडी देखे वाई का क्यूडी पूछा है, तो सम किस करेगा स्केल एंड ओरिजिन। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में फंडा आता है पुट द वैल्यू, क्या करोगे पुट द वैल्यू, मतलब क्या है? अगर बच्चों मुझे एक्स और वाई के बीच का इक्वेशन पता है, क्या पता बच्चों इक्वेशन, सिंपली एक्स के बदले रखो एक्स का मीन और वाई के बदले वाई का मीन, सिंपली पुट करो बच्चों, एक्स के बदले रखो एक्स का मीडियन और वाई के बदले रखो वाई का मीडियन, सिंपली बच्चों क्या करोगे पुट। सेम थिंग फॉर मोड, जब भी बेटा एक्स और वाई का इक्वेशन दिया है सिंपली एक्स और वाई के बदले उसका मीन मीडियन मोड क्या करना बच्चों पुट करना है, मीन होगा तो मीन, मीडियन होगा तो मोड। तो क्या ना इसे बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी में कंसेप्ट क्या है पुट द वैल्यू, बट डिस्पर्शन में ऐसा नहीं होता। बच्चों अगर मुझे मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है, एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी से, उस पर मैं ऐड कर रहा हूं ए, तो मुझे क्या मिलता है वाई। अगर मुझे एक्स का रेंज पता है और मुझे निकालना है वाई का रेंज, किसका निकालना है वाई का, क्या करूंगा एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, रेंज भी बी से क्या होगा मल्टीप्लाई, यस और नो, एक्स में ए क्या किया ऐड, रेंज में ए क्या होगा ऐड, क्यों नहीं, ओनली किससे बेटा स्केल नॉट बाय, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई, बट ऐड के लिए ऐड। तो बोलो बच्चों रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, बट बच्चों डिस्पर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलती से बी अगर निगेटिव आएगा उसे क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो उसका क्या लेंगे मॉड, जी पर बच्चों। तो अगर आपको एक्स का रेंज पता है कैन यू फाइंड वाई का रेंज, क्या फॉर्मूला है मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। बच्चों अगर आपको एक्स का सिग्मा पता है कैन यू फाइंड वाई का सिग्मा, कैसे बच्चों मॉड बी इंटू सिग्मा एक्स, कौन बताएगा हाउ टू फाइंड क्यू डी वाई, मॉड बी इंटू क्यू डी एक्स, हाउ टू फाइंड क्या एम डी, एम डी वाई, क्या बड़ा फॉर्मूला है मॉड बी इंटू एम डी एक्स। तो क्या ना इसे बेटा सेंट्रल टेंडेंसी में क्या सिंपली पुट द वैल्यू, डिस्पर्शन में पुट द वैल्यू ऑफ मॉड बी, याद रहेगा बच्चों। फिर से बोलो फटाफट मीन मीडियन मोड टाइप किसके सेंट्रल टेंडेंसी, अफेक्ट किस होगा स्केल या ओरिजिन बोथ, किसे बच्चों बोथ, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या मॉड बी ऑफ पुट द वैल्यू, एक्स के बदले एक्स का मीन, वाई के लिए वाई का मीन, क्या करोगे पुट, रेंज एम डी एस डी क्यू डी टाइप किसके डिस्पर्शन, अफर ओनली होगा स्केल नॉट बाय, ओनली बाय स्केल नॉट बाय, इसमें क्या होगा पुट द वैल्यू ऑफ मॉड बी, मॉड बी जब तेगा कल तेगा पक्का बच्चों। अगर मुझे एक्स का रेंज पता है कैन यू फाइंड वाई का रेंज, बोलो हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ वाई मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, लेकिन बच्चों एक्स का रेंज तो आपको दिया होता है, अब वो क्या निकालना पड़ेगा बी, हाउ टू फाइंड इज बी, बी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, बोलो बी का फॉर्मूला क्या है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, क्या बच्चों याद आ रहा है सब, थोड़ा सा भूल गए थे सब याद है बच्चों, जो थोड़ा सा हल्का बच्चों भूल गए होंगे सब रिकॉल हो रहा है बच्चों। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2, बच्चों मल्टीप्लाई मतलब चेंज ऑफ स्केल, सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा? क्यू स्केल से फेड होता है, सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई. तो सिग्मा भी क्या होगा? मल्टीप्लाई. बच्चों ऑप्शन कौन सा आएगा? ए. यस और नो? इजी है बच्चों. क्वेश्चन 7 ध्यान से पढ़ना है. एक्स और वाई का इक्वेशन दिए और क्या दिया बच्चों? क्वार्टाइल डेविएशन किसका दिया है? एक्स का. और किसका पूछा है बच्चा? मैंने पहले बोला है एक्स का क्यूडी दिया है, वाई का क्यूडी निकालना है. एक्स का क्यूडी दिया है, वाई का क्यूडी निकालना है. सम किसका? स्केल और ओरिजिन. किसका क्यूडी दिया है? किसका निकाला है? पहले बताओ क्वार्टाइल डेविएशन ये टाइप किसका है? डिस्पर्शन. डिस्पर्शन में पुट द वैल्यू ऑफ मॉड बी. बताओ बच्चों हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई? मॉड बी इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स. यस और नो? बोलो बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? कैन यू फाइंड बी? क्या फॉर्मूला है? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना आ रहा है? -4. जब तक का माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. बच्चों मॉड में माइनस का क्या होगा? प्लस. करो 3/4 × 12, 12 × 3 = 36/4 = 9. दैट्स इट. जी प्राय कौन सा? डी ऑप्शन है ना बच्चों? सबको जी प्राय बेटा. क्यों मुश्किल है? क्या रे क्या फंडा रिकॉल हो रहा है बच्चों? क्वेश्चन 8. अब 8 ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा सा टफ है. एट को पढ़ा बच्चों, क्या बोला है? एक्स और वाई के बीच का इक्वेशन दिया है क्या? और क्या दिया है? मीन. और क्या दिया है? मीन डेविएशन. किसका? एक्स. बोलो बच्चों एक्स का मीन कितना है? 1. और एक्स का मीन डेविएशन कितना है? 0.3. जिपता का नहीं समझा? एक्स का मीन दिया बच्चों 1 और एक्स का एमडी कितना दिया है? 0.3. आपको निकालना है क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. किसका? वाई. क्या पूछा बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. एक्स के लिए दिया है क्या? किसके लिए पूछा है? वाई. एक्स का देखे वाई का पूछा है. सम किसका होगा? स्केल एंड ओरिजिन. बट किसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है? वाई. बच्चों एक सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अफिट किससे होता है? स्केल से या ओरिजिन या दोनों से? कितने बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दोनों से अफेक्ट होता है? कितने बोलते हैं अफेक्टेड बाय ओरिजिन? कितना अफेक्टेड बाय स्केल? थप्पड़ मारो खुद को बच्चों. अगर याद होगा बच्चों मैंने क्लास में क्लियरली बताया था डिस्पर्शन के कितने तरीके होते हैं? 4. रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी. दे आर अफेक्टेड ओनली बाय, नॉट बाय. बच्चों मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी अप्लाई ओनली किसके लिए होते? रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी. बाकी सबके लिए क्या है? प्रॉपर्टी है फॉर्मूला. वराइंस के लिए क्या है? फॉर्मूला. सीवी के लिए क्या है? फॉर्मूला. कोएफिशिएंट ऑफ एमडी में क्या होगा? फॉर्मूला. याद रहा बच्चों? फिर से बोलो, प्रॉपर्टी ओनली किसके लिए? रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी. सी बच्चों इन्हीं के लिए बच्चों क्या होगा? प्रॉपर्टी. बच्चों इन्हीं के लिए बच्चों क्या होगा? प्रॉपर्टी. सुनो बच्चों बड़ा मुझे आता है. सी बच्चों इन्हीं के लिए बच्चों क्या थी बच्चों? प्रॉपर्टी. बाकी समय बच्चों क्या होगा? फॉर्मूला. बेटा मुझे बताइए आपको निकालना है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. इसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला या प्रॉपर्टी? क्या बेटा? फॉर्मूला. पक्का बच्चों इसके लिए क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला. यस और नो? हो कि नहीं? अब कैसे? कौन बताएगा मुझे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है?
बोलो MD अपॉन क्या है A इनटू 100। इस समय A का मतलब कौन है, A का मतलब कौन है, मीन, यस और नो, फिर से बोलो बच्चों क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्या फॉर्मूला है, MD अपॉन A को मीन बोलू, देखिए बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो निकालना है, बट किसका, तो बता बच्चों MD भी किसका होगा, वाई का, मीन भी किसका होगा, जेपरा क्या, फिर से बोलो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके लिए बच्चों क्या होगा, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, MD अपॉन बच्चों क्या होगा, मीन, MD किसका, वाई का, मीन भी किसका, तो क्या ना इसे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को निकालने के लिए मुझे दो बातें चाहिए, कौन, MD और मीन, किसका, एक एक बताओ किसका मीन दिया है, x का, किसका चाहिए, किसका MD दिया है, x का, किसका निकाला है, कैन यू अप्लाई प्रॉपर्टी, कैसे, पहले बताओ किसका मीन दिया है, x का, किसका चाहिए, बेटा मुझे बताओ मीन के लिए क्या होता है, पुट द वैल्यू या मॉड भी, मीन के लिए पुट द वैल्यू, x का मीन दिया है, y का निकालू, कौन बताएगा, x और y के बीच इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7, मीन के लिए क्या है, मॉड भी या पुट द वैल्यू, x के बदले x का मीन पुट करो, y के बदले y का मीन क्या करोगे, पुट, किसका मीन पता है, x का, कितना पता है, x का मीन रखो बच्चों 1, कैन यू फाइंड y का मीन, कितना रहा है, 5/3, मतलब कितना बच्चों 1.666, जेपता है का, नहीं समझा, किसका मीन बच्चों दिया था, x का, किसका निकाला है, y का, मीन के लिए क्या क्या, मॉड भी अब पुट वैल्यू, इक्वेशन दिया था x के बदले x का मीन रखा, तो किसका मीन मिल गया बच्चों, y का, ये किया, फिर बोलो बच्चों किसका MD दिया है, x का, किसका निकाला है, y, MD के लिए क्या होगा, मॉड भी अब पुट वैल्यू, बोलो MD y का फॉर्मूला क्या है, मॉड भी इंटू MD x, MD x पता है क्या, कितना है, 0.3 दिया ना बच्चों, कैन यू फाइंड बी, बी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, बोलो बच्चों कितना एक्स का कोएफिशिएंट है, 2 और वाई का 3, झपटा करे बेटा, कैन यू फाइंड एमडी वाई, किसका एमडी दिया था बच्चों, एक्स का, किसका निकाला, वाई का, कैसे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ मॉड बी, कैसे, मॉड बी, यस और नो, हाँ या ना, पक्का बच्चों, सर जेबरम कैसे करें बच्चों, अब बताओ बच्चों क्या आपको y का मीन मिल गया, है ना, कितना मिला, 1.66, क्या y का MD मिल गया, कितना मिला, 0.2, ना कैन यू फाइंड कोएफिशिएंट, बोलो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ MD, बोलो y का MD कितना है, कितना मिल गया, 0.2 ना बच्चों, बोलो बच्चों y का मीन कितना है, 1.666, करो बच्चों सॉल्व, 12 आ रहा नियरली, मतलब बच्चों इस एक ही बेटा क्वेश्चन में सेंट्रल टेंडेंसी था और डिस्पर्शन, मीन के लिए क्या अप्लाई किया, सेंट्रल टेंडेंसी, और एमडी के लिए क्या किया, डिस्पर्शन, मीन के लिए पुट द वैल्यू और एमडी के लिए मॉड बी, झिपता है, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, रिपीट करा, क्लियर है, पक्का, सब याद आ रहा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इट इज प्रॉब्लम ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार रिवाइज करते बच्चों, अगर मेरे पास दो ग्रुप है, पहले में N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 ऑब्जर्वेशन है, पहले का बच्चों मीन है X1 बार, दूसरे का मीन है X2 बार, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन σ1, दूसरे का σ2, अगर मैं दोनों ग्रुप अगर कंबाइन करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चा लोग इस कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, निकाल पाओगे, अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, कंबाइंड, मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन क्या होता है, σ12, कोई बता सकता है कंबाइंड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट N1 इंटू σ1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू σ अपॉन N1 प्लस N2, बच्चों फिर से मुझे बताओ कौन बताएगा कंबाइंड डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला आपके साथ है,
क्या क्या चाहिए बच्चों? एन वन एन टू वो क्वेश्चन में दिया होता है, और क्या चाहिए? सिग्मा वन सिग्मा टू क्वेश्चन में दिया होता है, क्या बाकी है? डी वन और डी टू। हाउ टू फाइंड डी वन? पूछो डी वन के लिए क्या करोगे? फर्स्ट के मीन सॉरी कंबाइंड मीन में से फर्स्ट का मीन क्या करोगे? माइनस डी वन मिलेगा। कंबाइंड मीन में से सेकंड का मीन क्या करोगे? माइनस क्या मिलेगा? डी टू। जिपता का कंबाइंड मीन में से फर्स्ट का मीन माइनस क्या मिलेगा? डी वन। सेकंड का मीन माइनस क्या मिलेगा? डी टू। यस और नो? देखिए बच्चों, ये डी वन डी टू निकालने के लिए पहले कंबाइंड मीन तो चाहिए ना बेटा, तो पहले क्या निकालोगे? कंबाइंड मीन। तो क्या ना इसे जब भी सम आता है कंबाइंड डेविएशन का, पहले क्या निकालोगे? कंबाइंड मीन, फिर डी वन डी टू, फिर कंबाइंड डेविएशन। याद रहेगा? फिर से बोलो बच्चों, कंबाइंड डेविएशन निकालने के लिए कितने स्टेप में सम को सॉल्व करेंगे? तीन। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे? कंबाइंड मीन। सेकंड स्टेप में डी वन और डी टू। थर्ड स्टेप में कंबाइंड डेविएशन। क्या बच्चों वैल्यू पुट करके देखना आएगा बच्चों आपको? वो बाद में चेक कर लोगे पक्का। अब बच्चों इस चैप्टर का प्रैक्टिकल बच्चों पूरा हो चुका, अभी थ्योरी फटाफट। मोस्ट कॉमनली यूज मेजर डिस्पर्शन। बच्चों डिस्पर्शन में सबसे ज्यादा बार यूज क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों कौन आएगा? सिग्मा। ऑप्शन कौन सा आएगा? ओके सॉरी बेटा, पहले 11 का तो बी आ रहा ना बच्चों। बच्चों 10 में क्या बोला है? व्हेन इट्स कम टू द कंपेयरिंग टू और मोर। बताओ बच्चों कंपेयरिंग के लिए क्या होता है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बच्चों ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। क्वेश्चन 12, बता बच्चों डिस्पर्शन में कितने मेजर है? दो मेजर। मेथड 4 है, मेजर कितने होते हैं? दो। कौन से? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जहां पे यूनिट है वो कौन है? एब्सोल्यूट। नहीं है वो रिलेटिव। बच्चों एब्सोल्यूट में क्या क्या होता है? रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी, ये कौन है? एब्सोल्यूट। एंड ऑल कोएफिशिएंट आर रिलेटिव। क्वेश्चन में क्या है? इनमें से कौन सा क्या बोला है? एब्सोल्यूट। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन है? एब्सोल्यूट। रेंज कौन है? मीन डेविएशन। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। सी बच्चों देखते मत बैठना, आपको खुद को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 13, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑल कोएफिशिएंट आर रिलेटिव। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। सिग्मा का स्क्वायर क्या है? वेरिएंस। क्वेश्चन 15, विच मेजर इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, बेटा मुझे बताओ क्वार्टाइल डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बच्चों क्वार्टाइल डिवाइड करेगा 4 पार्ट में, क्या ना इसे बेटा 25% के बाद कौन आता है? Q1। 50% के बाद क्या होता है? Q2। और 75% के बाद क्या आएगा? Q3। जिपता बच्चों बोलो, 25% के बाद कौन होता है? Q1। और 70 के बाद? अब बता बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 बच्चों किस में डील करता है? 75। Q1 25। 75 माइनस 25 50। तो क्या ना इसे बच्चों बीच के 50% पे डिपेंड कौन करता है? क्वार्टाइल डेविएशन। 50% मतलब क्या है? 75 माइनस 25 Q3 और Q1। बोलो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। स्पीड ठीक है। क्वेश्चन 17, डिस्पर्शन का सब कौन सा मेथड सबसे क्विकेस्ट है? रेंज, सबसे फास्टेस्ट रेंज है बच्चों। 18, बच्चों कौन सी मेथड एब्सोल्यूट डेविएशन पे डिपेंड करती है? बच्चों एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब क्या? मॉड डी। बच्चों एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मॉड। अब बताओ रेंज एमडी एसडी क्यूडी में किसमें मॉड डी होता है? मीन डेविएशन। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। स्पीड ठीक है, नहीं समझा बेटा? सही है ना? मॉड भी बेटा, मॉड किसमें होता है? मीन डेविएशन में। 19,
which measure of dispersion is based on all observation? कौन सा बेटा? बच्चों क्या MD को निकालने के लिए, क्या MD को निकालने के लिए सभी नंबर लगते हैं क्या? बच्चों MD में क्या होता है? समेशन मॉड D, D के लिए x में से a को माइनस करोगे, तो MD को निकालने के लिए सभी x मतलब सभी नंबर यूज करने पड़ेंगे. इट इज बेस्ड ऑन ऑल नंबर. कौन बच्चों? MD. क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सभी नंबर लगते हैं क्या? सिग्मा के लिए भी क्या होता है? डी निकालना पड़ता है. डी क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार, सभी एक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बट क्या क्वार्टाइल डेविएशन के लिए सभी नंबर लगते हैं क्या? क्यू डी में ओनली को लगेगा, क्यू थ्री और क्यू वन. इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. तो सभी नंबर पे डिपेंड कौन करता है? एम डी और एस डी, बट नॉट क्यू डी. ऑप्शन कौन सा? डी. स्पीड ठीक है. और सबसे लास्ट बच्चों, ओपन एंड के लिए कौन होगा? बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी में ओपन एंड के लिए बेस्ट कौन था? मीडियन. और यहां पे होगा क्वार्टाइल डेविएशन. बच्चों ओपन में क्या होगा? क्वार्टाइल डेविएशन. इट इज एंड ऑफ डिस्पर्शन.